तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे पिवट टेबल के बारे में। जैसे कि हम जान रहे हैं कि पावर बीआई को सीखने से पहले पिवट टेबल को जानना बहुत जरूरी है। तो पिवट टेबल में आज हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं एक्सटर्नल पिवट टेबल के बारे में कि किसी अमूर्त डेटा या अमूर्त डेटा बेस में किस तरह से हम पिवट लगाएं, आज की हमारी ये टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिवट टेबल लगाने के लिए एक डेटा की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसका हम डेटा यूज नहीं कर रहे हैं। बेसिकली हमें जो पिवट लगाना है वो पिवट लगाना है कई सारे रीजन में। अब रीजन को समझ लेते हैं, इसलिए मुझे एक छोटा सा डेटा लेना पड़ेगा। कुछ पिवट टेबल की कुछ ए है वीकनेस है, उस वीकनेस को हम एक्सटर्नल पिवट टेबल से दूर करें। एक छोटा सा डेटा हम आपके साथ लेते हैं। प्रॉब्लम होती है जब आप पिवट टेबल को लगाते हैं। जैसे कल हमने आपको बताया था, जब हमने पिवट को लगाया तो हमारे साथ एक प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके पास आपके डेटा को ऑटो अपडेट करने का सिस्टम नहीं, पिवट को ऑटो अपडेट करने का सिस्टम नहीं। तो आपके सामने वाले मेरे पास ये डेटा है, मैं बंद कर देता हूँ, इन डेटा को मैं सेव कर दूंगा। अब मान लीजिए मैंने इस पे पिवट लगाया, तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि अगर डेटा, मान लीजिए कि महीने का जो अगस्त का डेटा था, जुलाई का डेटा था, अब मैंने इसी के नीचे अगस्त का डेटा हम इंट्री करते हैं, तो अगस्त का डेटा जो एंट्री करेंगे वो हमारे पिवट में नहीं आया, क्योंकि हमने जो पिवट लगाया था उसमें रेंज कुछ और था। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि पिवट टेबल में जाके यहाँ चेंज डेटा सोर्स में आना होगा और फिर यहाँ से पिवट को रीसेलेक्ट करना। पर ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते कि मेरा पिवट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो कैसे करें? तो उसके हम पिवट नॉर्मल वे में लगाएंगे, हम लगाएंगे एक्सटर्नल टेबल के फॉर्म। तो यहाँ पिवट टेबल पे हम क्लिक करते हैं और जाते हैं यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स चूज कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर, और यहां हम डॉक्यूमेंट और यहाँ हम एक्सपेंसिव को सिलेक्ट करके ओपन करें। अब इसमें कई सारे चीज है, बट पिवट टेबल एक बार में एक ही चीज से डेटा लेता है, तो हमें यहाँ एक चीज को रखना पड़ा एंड ओपन करें। अब जैसे कि इसमें मान लीजिए कि मैं यहाँ सेल्स पर्सन को लेता हूँ, और मान लीजिए हमने यहाँ की क्वांटिटी रख दिया और पीयर को रिपोर्ट बन के आ गए। अब मैं डेटा में थोड़ी सी चेंज करता हूं, टेक्नोलॉजी इंडिया सॉफ्ट वन 2020 और जहां पे हमने देखा नवीन, नवीन नाम का नया मैंने चुना। अब राइट क्लिक करके हम रिप्लेस आ गया सर नवीन 32। बट यहां एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि
आपका कॉलम इंक्रीज नहीं होगा, कॉलम को इंक्लूड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए इसमें नया कॉलम आपने ऐड कर दिया तो नया कॉलम जो है आपके पिवट भी नहीं है। जैसे कि मैंने मंथ यहाँ पे मंथ और हमने यहाँ पे जैनकर कर दिया, तो मंथ दे दिया जैनकर कर दिया। अब पिवट में एक बार मैं इसको रिप्लेस करता हूं तो आप यहाँ देखिए मंथ का कॉलम नहीं आया। सेक्शनल पिवट टेबल में मंथ कंसीडर्ड नहीं होता। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हाउ कैन, इसको भी कैसे किया। तो उसके लिए हमें एक्सेल फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ देखिए एक्सेल फॉर्मूला, हमें इसमें एक्सेल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो हम सिंपल सा यहाँ ऑफसेट का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसमें हम बोले कि मेरा स्टार्टिंग ए वन से है, जीरो रो जीरो कॉलम, और हाइट में मैंने लगा दिया काउंट ए, और ए पूरा ए को काउंट कर दिया। और फिर आता है विड्थ, और विड्थ के अंदर भी हम काउंट ए लगाते हैं और ये पूरा रो को काउंट करते हैं। अब इसको हम यहां से कॉपी करते हैं और चले जाते हैं इसमें फॉर्मूला वार के अंदर। ये फॉर्मूला वर्क के अंदर डिफाइन नेम, और इसमें हमने डीटी दिया डेटा ने डीटी, और यहां पे हम वो फॉर्मूले को पेस्ट कर। देखिए ध्यान रखिएगा फॉर्मूला पेस्ट करने से पहले उसको प्रिंट जरूर कर लीजिएगा, वरना दिक्कत होने के चांसेस होते हैं। हमने प्रिंट कर लिया बैक, अब इसको डिलीट कर दीजिए शुरू कर दीजिए। अब क्या हुआ कि जो ऑफसेट का फॉर्मूला था वो पूरा डेटा लेके देगा, और इस पूरा डेटा को हमने नेम मैनेजर के नेम में डाल दिया। अब देखिए मैं यहाँ एक नया पिवट लगा रहा हूँ, इंसर्ट पिवट टेबल, और यहाँ हमने डेटा सिलेक्ट कर दिया डीटी का डेटा है डी एंड आ गया डीटी। अब देखिए मैं अपने इस डेटा में एक नया मंथ ऐड करता हूँ, नया कॉलम मंथ ऐड कर दिया, मंथ ऐड किया और नीचे के खिलाफ हम चलिए। अब मैं अपने इस डेटा में बस रिफ्रेश करूंगा और यहाँ देखिए मंथ का कॉलम है। इसे समझ में आया या नहीं सर? अजय जी यस सर, ये आपको समझ में आया? आ गया सर, आपको आ गया ना? तो ये ऑटोमेटिकली डेटा रेंज लेना एक बहुत ही क्रिटिकल बात होती थी एक्सेल में। तो चलिए ऐसा हो गई हमारी एक्सेल टू एक्सेल, लेकिन हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमने सेम फाइल ही लिया ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास फाइल कहीं और पर होगा। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं कि मेरा नया बुक वाला है और मेरी फाइल एक्सेल वाली फाइल में भरी हुई है। ऐसे क्यों करेंगे? मतलब कि हम पिवट किसी और फाइल में क्यों लगाएंगे? उसके दो रीजन है। पहला रीजन है कि आपके पास एक डंप फाइल होती थी, वो बहुत बड़ी 500-700 हजार MB की होती है। जब भी आप उसको ओपन करते हैं तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, कभी कभी परसेंटेज करता है, कुछ भी करते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो आप चाहते हैं कि मैं उस फाइल को खोलू ही ना, और बिना खोले हम पिवट लगा दें। ऐसे में क्या होगा कि आपका एक्सेल जो आपका जो ये है जो पिवट है वो लगाते समय थोड़ा सा हैंग होगा, फिर लगाने के बाद नॉर्मल हो जाए। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी रीजन, आप ओरिजिनल डेटा किसी को नहीं देना चाहते ताकि वो छेड़छाड़ करे। तो मैं किसी नए फाइल में पिवट देना चाहता हूं, तो हमने यहां यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स टूल कनेक्शन ब्राउज फॉर मोर, और हमने यहां पे अपने फाइल को सिलेक्ट किया और हमने पिवट को लगा दिया। यहां पे अपना सीट को सिलेक्ट करें एंड ओके।
आपका रिवर्ट लग गया। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि मैं मेरा डेटा एमएस एक्सेस में पड़ा हुआ है, आप एमएस एक्सेस से भी सेम लगा सकते हैं। जैसे आपने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया था, ऐसे आप एक्सेस फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन, कोई टेबल नहीं है, तो देखिए MS Access से माना होगा, MS Access की क्यूरी MS Access की इसमें लगा। उसके बाद हम बात करते हैं पिवट टेबल यूज एक्सेलेरेटर टूल। अगर आपको SQL सर्वर या SQL सर्वर या Oracle या अलग अलग एप्लीकेशन से अलग सकते हैं, जैसे SQL सर्वर हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने नेक्स्ट किया और यहाँ से आपको अपना सर्वर नेम देना है विद एड्रेस और ओके कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो करके दिखा देता हूं मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूं। तो देख लीजिए एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट में बताएंगे सर, तो यहाँ पे हमारा खुल गया। अब इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम अपने एक्सेल शीट में लगाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, और इसके बाद आप यहाँ से अपना डेटाबेस सिलेक्ट कीजिए, फिर आईपीटी नंबर आना, फिर इसके अंदर जो टेबल्स है वो टेबल आ जाएंगे आपके, टेबल को सिलेक्ट कीजिए जिस टेबल को लेना है, नेक्स्ट एंड फिनिश, यस एंड ओके। आपका पिवट टेबल एसक्यूएल सर्वर से ऐसे आप अदर अदर कनेक्टिविटी वगैरह से पिवट टेबल को लगा।
अब यहाँ पे एक चीज और आता है, इनका कीजिए पेपर यहाँ पे पेपर टेबल जो लगाते हैं एक्सटर्नल सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे पहले से भी लगे हुए ऑलरेडी कनेक्शन होते हैं, उस कनेक्शन को आप यूज कर जी पहले से ही इसको सिलेक्ट करके आप इसका यूज कर, जैसे कि हमने ये देखा आईपीटी एक्सक्यूज होता है ओके आगे एक्सेल सर्वर से हमारा जो है समझे सर क्लियर है सर? ये शेयरपॉइंट से भी कनेक्ट हो सकता है? ठीक है सर, तो आप अपनी इसकी कनेक्टिविटी को अच्छे तरीके से आप बोलिए समझ गए सर। अब इसमें आप कनेक्टिविटी में अगर हम वेबसाइट की बात करें, मुझे एक वेबसाइट से चाहिए थे, बहुत अच्छी वेबसाइट है जैसे कि अगर हम जैसे हमने यहाँ पे देख किया वर्ल्ड मोबाइल वेब पेज से आपको लेना लेना होता है अब विकिपीडिया का ये टेबल जो है इस पे हम कीवर्ड लगाना है मतलब है। तो हमने क्या किया कि इसकी यूआरएल को कॉपी किया एक्सेल और यहाँ अब यहाँ पे नहीं जाए क्योंकि हम कीवर्ड टेबल में डायरेक्ट जो है यूआरएल नहीं देते हमें डेटा मेनू बार में जाना होगा और यहाँ देना होगा फ्रॉम वेब ओके और फिर यहां प्रेस कीजिए यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेबल थ्री टेबल फॉर्मेट से आपका वही होता है लिस्ट एडिट ये लिस्ट है ठीक है। अब इसमें एक चीज देखिए कि नंबर नंबर जैसे तीन बार नंबर तो सेंट्रल एरिया नंबर सेंट्रल एरिया नंबर सेंट्रल तीन बार है तो पेपर को दिक्कत हो सकता है, हमें दो टेबल को डिलीट करना है। हम सीधे चले जाएंगे ट्रांसफॉर्म डेटा ट्रांसफॉर्म डेटा जो करेंगे तो क्या आएगा फ्यूज, इसलिए हम प्रोसीजर आपको इसमें भी है
अब यहाँ पे मुझे दो ही लाइन हम एक काम कर देते हैं, इसमें जो नंबर है उसको अनचेक कर देते हैं, होता है तो ये नंबर नंबर हमारा कट गया, तो फिल्टर से हमने उसको बाहर कर दिया। उसके बाद यहाँ लोड एंड क्लोज करते हैं, लोड एंड क्लोज जब आप करेंगे तो आपको यहाँ पे पिवट फॉर्मेट में आएगा। तो लोड हमने लोड एंड क्लोज कर दिया, हमें पिवट चाहिए, इससे क्या हुआ डेटा आ रहा है, लेकिन हमें पिवट से चाहिए ना सर, तो हमें इसको एडिट पे जाना पड़ेगा, राइट क्लिक एडिट, एडिट करते वापस आ जाएगा। तो यहाँ लोड एंड क्लोज के बगल में थोड़ा सा निशान उस पर क्लिक करेंगे तो लोड एंड ट्रांसफॉर्म आता है। नहीं लोड एंड ट्रांसफॉर्म नहीं है, आई थिंक ये जो पिवट बेस्ड है पिवट से नहीं है, इसलिए आप समराइज पिवट टेबल करेंगे, इसलिए आपका पिवट टेबल नहीं। इसके बाद आप अपने हिसाब से पिवट टेबल यूज करेंगे। तो हमने वेब पेज ये लाइव देता है, अगर वहां कुछ चेंज होता है तो यहाँ भी चेंज होता है, ठीक है, समझ आया सर? यस। यस सर, प्रीवियस सेक्शन में जैसे एसक्यूएल के साथ लिंक किया था वो भी लाइव डेटा ही होगा? ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अगली क्लास में हम बात करेंगे स्लाइसर्स एंड मल्टीपल पिवट्स के बारे में। दो क्लास और आपके लगे, इसका हम डीवीएस स्टार्ट करते हैं, पावर डे स्टार्ट।